कौशाम्बी की मशहूर मिठाई है कोकाबेली। इसका स्वाद मीठा है लेकिन राजनीति में इतनी मिठास होती नहीं है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मतेश चंद्र सोनकर साहब। मतेश जी, ये बताइए कि इस बार क्या ये मीठा सपा खाएगी या फिर बीजेपी? मिठाई तो इस बार सपा खाएगी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा जन आक्रोश है कि रेप, बलात्कार, भ्रष्टाचार, क्योंकि थानों में, तहसीलों में कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि मैं खुद पीड़ित हूँ। अभी एक हफ्ता पहले मैं थाना कोखराज, मेरा शहजादपुर में 6 बीघा खेत है, जानवरों से चरा लिया गया। मैंने नाम नेट लिख करके दिया। आज तक वहाँ का इंस्पेक्टर, वहाँ का चौकी इंचार्ज, शहजादपुर चौकी इंचार्ज, कहा कि मैं देख लूँगा, बुला लूँगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मेरा 20,000 रुपया उसमें मैंने खर्चा किया। जब मैं विधायक और मंत्री रहा हूँ, मेरी सुनवाई नहीं इस सरकार में, तो आम जनता की शायद क्या सुनवाई होगी, यही से समझ लीजिए। जनता के पास आप वो कौन से 3 मुद्दे लेकर जाएंगे इस इलाके में? जनता के पास हम लेकर जाएंगे भ्रष्टाचार, जो अपराध बलात्कार चल रहा है, महंगाई मुद्दा है, यहाँ 1-1 हज़ार के सिलेंडर बिक रहे हैं, सिलेंडर गरीब अपने घरों में रख दिया है, और महंगाई चरम सीमा पे है, कड़ुआ तेल 200 रुपया लीटर बिक रहा है, सारा सामान इस सरकार में महंगा हो गया है, जो 10 रुपया का था आज वो 100 रुपया का हो गया है। सुनकर साहब, विफलता के, लॉ एंड ऑर्डर के, कानून व्यवस्था की विफलता के आरोप तो आपकी सरकार पर लगे हैं। लगते रहे हैं, लेकिन जितना लगे हैं, जो अपराध 10% था आज वो 100% है। ये सरकार रोक नहीं पा रही है, इनके जो अधिकारी हैं सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, यहाँ DM कप्तान, यहाँ हाईकोर्ट की नहीं सुनता है। बहुत बड़ा यहाँ पे बेरोजगारी मुद्दा है। कोरोना में हमारे गरीब परिवार के लोग यहाँ वापस आ गए, उनको न नौकरी मिल रही है, न जो 10,000-15,000 पे नौकरी बाहर करते थे। एक सवाल आपसे कोरोना पे ही पूछ लेते हैं। जब वैक्सीन दे रही थी सरकार, तो आप ही ने कहा मोदी वैक्सीन नहीं लगाएंगे, आपकी ही पार्टी के सबसे आला नेता ने कहा था। वैक्सीन का कोई मतलब नहीं है। वैक्सीन तो लोगों ने लगवाया ही, लेकिन वैक्सीन के नाम पे जो ये पैसा वसीला जा रहा है, पेट्रोल के नाम पे, डीजल के नाम पे, उनके मंत्रियों ने कहा कि अरे ये तो हम जो वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं, डीजल पेट्रोल से पैसा हम वसीलेंगे। 100 रुपया पार कर गया पेट्रोल और डीजल, महंगाई चरम सीमा पे है, तो ये डीजल और पेट्रोल से वसीलेंगे, हम जनता का टैक्स से ये बड़ा बड़ा रैली कर रहे हैं, और ये जनता का ही पैसा लुटा रहे हैं महंगाई से, हमारा ही पैसा नोच करके, हमारे जेब ढीली करके, ये बड़ी बड़ी रैलियों में और ये पोस्टर, बैनर, प्रचार प्रसार में जनता का पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय हित में है। आपके आला नेता जब हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, तो वो किसका पैसा होता है? हेलीकॉप्टर ये जो हमारा जो लोग क्षेत्र में जो कार्यकर्ता होते हैं, उसकी एक सदस्यता अभियान चलता है। कार्यकर्ता सदस्यता अभियान से पैसा जुटाता है, पार्टी पैसा उसको खर्चा करती है, कोई नंबर 2 का पैसा नहीं खर्चा होता है। यहाँ हमारे कार्यकर्ता पैसा देते हैं, एक चंदा के रूप में अभियान शुरू होता है, उसका होता है। ये तो फ्रॉड करके पैसा जो है जनता का पैसा खर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कितना भरोसा है इस बार सरकार बनाने? भरोसा क्या, आज जो है भरोसा जो है जनता का तो रही नहीं गया इस सरकार पे, क्योंकि साणों को छोड़वा दिया गया, पूरा किसान परेशान है। आज जहाँ चले जाइए, खेत सुरक्षित नहीं है, ये नौकरी तो नहीं मिली जनता को, लेकिन जानवरों को छोड़ करके योगी जी ने नौकरी दे दिया है उनको, जो है रात रात भर लोग ताकते हैं। कोई भी किसान को ये कह रहा है कि हम किसानों की आय दुगना कर दिए, इनसे पूछना चाहते हैं क्या ये रुपया गिन करके दुगना दे दिए हैं? यहाँ लोगों को लाखों लाखों घाटा हो रहे हैं। आलू जो है बहुत सस्ता बिक गया, और जब किसानों के यहाँ सस्ता होता है, तब जो है बहुत किसान परेशान है हर तरह से, क्योंकि खेतों में कुछ बच नहीं पा रहा साणों के मारे।
मुद्दे बहुत हैं और मुद्दों का जवाब जनता देना जानती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कौशाम्बी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।